उमरिया जिले में शहीद स्टेडियम में आज 15 अगस्त की रिहर्सल की गई। इस रिहर्सल में उमरिया जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल मौजूद रहे। उमरिया जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के आयुष जल संसाधन राज्य मंत्री और उमरिया जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। साथ ही कोरोना योद्धाओं का इस दौरान सम्मान भी किया जाएगा। कमांडर माननीय मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय ध्वज को अपनी सलामी देते हुए दूसरा दल जिला पुलिस बल जिला उमरिया का जिसकी कमान नीतीश पांडे संभाल रहे हैं। आप देख रहे हैं जहां पर उमरिया में रिहर्सल की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताया हमने, जैसे कि एमकेएन संवाददाताओं ने अपने कैमरे में कैद की है कुछ तस्वीरें जो हम आपको सीधा बता रहे हैं। ये जो तस्वीरें अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये उमरिया से हम आपको बता रहे हैं जहां पर रिहर्सल की जा रही है, प्री रिहर्सल। यहां पर संवाददाताओं ने यहां पर कैद किया है कैमरे में, जिसे हम आपको बता रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो रिहर्सल हो रही है वो हम आपको सीधा बता रहे हैं। आपको बता दें कि उमरिया में स्वतंत्रता दिवस को लेकर रिहर्सल की गई। इस दौरान आपको बता दें जो कोरोना योद्धाएं हैं उनका भी यहां पर सम्मान किया जाएगा कार्यक्रम के दौरान। वहीं इन्हीं सब चीजों को लेकर झंडा वंदन यहां किया जाएगा। प्रभारी मंत्री जो है उमरिया के, वो यहां पर झंडा वंदन करेंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप तिवारी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, रिहर्सल का दौर जारी है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 15 अगस्त को, वहीं रिहर्सल की जा रही है। किस तरीके से उमरिया में खास तैयारियां है, क्या माहौल फिलहाल बना हुआ है, बताइए। आज उमरिया जिले में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल के द्वारा मुख्यालय स्थित स्टेडियम में परेड के माध्यम से लोगों को सिखाई दी गई और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रभारी मंत्री उमरिया जिले के रामकिशोर कावरे जी का प्रवास होगा, जो स्वतंत्रता दिवस के दिन रात 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजे गए संदेश को वचन पत्र के रूप में लोगों के बीच रखेंगे जी। संदीप जी, कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी करेंगे जी। संदीप जी, वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्या खास तैयारियां इस दौरान की गई है, क्या नई गाइडलाइन को जारी की गई है, जिसके कारण जो इस कार्यक्रम के दौरान जिनका पालन किया जाएगा? कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए शासन प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। वही जिला मुख्यालय में यहाँ भीड़ एकत्रित नहीं होगी और जो कार्यक्रम जैसे चलते थे, प्रोग्राम चलते थे हर वर्ष, वो संचालित नहीं होंगे। केवल ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और जो प्रभारी मंत्री जी का प्रवास होगा उसमें उनके द्वारा जो मुख्यमंत्री जी का जो संदेश होगा उनको लोगों के बीच रखेंगे और ध्वजारोहण कार्यक्रम करेंगे जी। संदीप जी, वहीं इसके साथ ही सुरक्षा के क्या खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, राष्ट्रीय त्योहार है, ये क्या खास इंतजाम यहां पर सुरक्षा को लेकर देखे जा रहे हैं? जगह जगह पुलिस प्रशासन तैनात रहेगी, आज से ही पूरे प्रशासन तैनात है और जिले के मुखिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल जी के द्वारा जगह जगह पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है और कोई भी किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना और कोई ऐसा वातावरण प्रदूषित ना हो जिससे कोई कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो जी। संदीप जी, इसके साथ ही तमाम कार्यक्रम इस दौरान होते हैं, स्वतंत्रता दिवस का जब कार्यक्रम होता है, झंडा वंदन के बाद भी कई कार्यक्रम उस दौरान होते हैं। वहीं कोरोना काल को देखते हुए क्या किसी तरीके की रौनक क्या कुछ कम दिखाई दे रही है, क्या लोगों में जो जोश है, जो वहां पर प्रतिभागी हैं उनमें किसी तरीके से जोश में कोई कमी देखी जा रही है? नहीं, उत्साह में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। छोटा मोटा प्रोग्राम जो है सुनिश्चित किया जाएगा,
हर जगह पे ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ ही। जी संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।